सो हेलो नमस्कार टू द ऑल केमिस्ट्री लवर्स डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स ऑफ द नेक्स्ट फ्यूचर। मैं विजय कुमार सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इन केमिस्ट्री चैनल रिगार्डिंग टू योर वन एंड ओनली केमिस्ट्री। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द अलॉट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग टू द जस्ट अल्कोहल एज अ नॉमेनक्लेचर एज अ टाइप्स ऑफ द अल्कोहल एज अ स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल। फर्दर वी हैव डिस्कस अबाउट द आइसोमेरिज्म इन अल्कोहल एंड फर्दर वी हैव जस्ट गो विद द प्रिपरेशन मेथड ऑफ द अल्कोहल। And after that, we have discussed about the physical properties of the alcohol. Now the time to discuss about the very important features and properties, that is the chemical properties. So today's topic is your chemical properties of alcohol. As I told you, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि particular हम इस चैप्टर में मैक्सिमम से मैक्सिमम रिएक्शंस को और डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को इंटर कन्वर्जन की प्रॉब्लम ना आए। थोड़ा सा वर्कलोड आपका बढ़ेगा ट्वेल्थ क्लास के लिए, नीट वालों के लिए और जेईई वालों के लिए नहीं बढ़ेगा, मैटर वही है, बट थोड़ा सा ट्वेल्थ क्लास के लिए हमने मैटर बढ़ा दिया है। पर्टिकुलर बात करें तो हम यहां एक क्वेश्चन अराइज होता है, एल्कोहल, दिस इज द एल्कोहल acts as nucleophile as well as electrophile की तरह भी काम करता है और nucleophile की तरह भी काम करता है। कैसे, किस प्रकार से, बड़ा ही important matter है कि अगर हम बात करें तो first कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे काम करता है, न्यूक्लियस लविंग की तरह कैसे काम करता है न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपके पास में आता है, दिस इज द अल्कोहल कुछ इस टाइप से। यहां आपने कर दिया एक मल्टीपल बॉन्डेड, कोई भी स्पीसी ले लें पर्टिकुलर जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो कुछ इस टाइप से। ये अपने आप एक न्यूक्लियस की तरह काम करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ये अपना एक लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट कर देगा। जब कार्बन को डोनेट करेगा तो नेक्स्ट पोजीशन आपके पास में आती है आर ओ, ये एच लोन पेयर एक रह गया और अपना चार्ज ले लेगा पॉजिटिव और अपना लोन पेयर देने के बाद में यहाँ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये कुछ इस टाइप से कंडीशन हो गई, कार्बन की वैलेंसी चार हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, विड्रो करेगा तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये H प्लस को लूज कर देगा और ये यहाँ फॉर्मेशन कर लेगा आर ओ और दिस इज द C विद अ थ्री सिंगल बॉन्ड। ये अपने आप में अल्कोहल का एज न्यूक्लियोफाइल काम हो रहा है, ये था न्यूक्लियोफाइल। बात करें इलेक्ट्रोफाइल की, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे काम करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन को गेन कैसे करता है, तो उस पोजीशन में सेकंड आपके पास में आता है एज इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग कैसे काम करेगा। ये तो था न्यूक्लियोफाइल का और ये आ गया आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के सामने खड़ी हो कुछ इस टाइप से, सपोज आपके पास में हैलोजन के फॉर्म में हमने बी आर ले लिया माइनस, जिसके पास में पर्टिकुलर फोर लोन पेयर्स होंगे कुछ इस टाइप से, और उसके सामने अल्कोहल को अगर खड़ा कर दिया जाए कुछ इस टाइप से सी एच टू आर और ये ओ एच टू, एच बी आर के साथ में रिएक्शन कराई थी तो फर्स्ट स्टेप में इसने प्रोटॉन को गेन कर लिया और प्रोटॉन को गेन करने के बाद में पर्टिकुलर यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। उस पोजीशन में जब ये बी आर अटैक करेगा इस कार्बन पर अटैक करेगा तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, एच टू ओ बाहर निकल जाएगा और ये आपके पास में बना लेगा आर सी एच टू बी आर। ये दोनों रिएक्शन इस बात को शो करती है कि अल्कोहल अपने आप में एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के रूप में काम करता है। अगर पर्टिकुलर हम अल्कोहल के स्ट्रक्चर की बात करें तो अल्कोहल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से मिलता है आपको आर सी एच टू और ये आता आपके पास में ओ एच, और अगर इनकी केमिकल रिएक्शंस को, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल,
अगर इसकी केमिकल रिएक्शंस को मैं स्प्लिट अप करूं तो बेसिकली हमारे पास में चार टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस होती हैं। इसमें फर्स्ट आती है आपके पास में जिसमें इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा OH बॉन्ड का, तो आप कह सकते हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ जस्ट OH बॉन्ड, जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट होता है। बड़ा ही रोमांटिक बात है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि O और H के बीच का बॉन्ड कैसे डिसोसिएट हुआ है। सेकेंड आता है आपके पास में रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ योर COH बॉन्ड, इस बार C और OH के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट होगा। थर्ड रिएक्शन की बात करें तो पर्टिकुलर आपके पास में वो आती है एल्कोहल में सी पार्ट एलिमिनेशन रिएक्शंस, और डी पार्ट आता आपके पास में पर्टिकुलर जस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। तो पर्टिकुलर आपके पास में किसी भी एल्कोहल के लिए चार टाइप की रिएक्शन होते हैं, जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, सेकंड जिसमें COH बॉन्ड का क्लीवेज होता है, थर्ड पर्टिकुलर आपके पास में एलिमिनेशन हो गया यहां से, और फोर्थ आ गया आपके पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन ड्यू टू एक्स एज अ जस्ट ए न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। इस बात का क्वेश्चन आपके पास में CBSE में भी है कि पर्टिकुलर एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे काम करता है, इस बात को एक्सप्लेन कीजिए, तो उस पोजिशन में आप इन दोनों रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। नाउ विल गो विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। प्रॉपरली मैटर को पढ़िए ताकि आगे बढ़ा जा सके। इस मटेरियल को थोड़ा सा प्रॉपरली व्यू नहीं है तो ये आर कर दिया, यहां भी ये एच प्रॉपरली कर दें, और यहां ये RCH2Br का फॉर्मेशन होगा, RCH2Br। नाउ एवरीथिंग इज ओके, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर दिया जाए। जी हाँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास में आती है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। फर्स्ट प्रॉपर्टी ए पार्ट, दिस इज द reactions involving cleavage of just OH bond, और इसमें भी particular हम बात करें सबसे पहले reactivity की, तो इस position में reactivity का sequence कुछ इस type से होता है कि आपके पास में methanol है CH3OH, या तो आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल CH2OH, या तो आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल CHOH, और या तो आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल, कुछ इस टाइप से। यहाँ ऑक्सीजन पर हर एक ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, हम इस रिएक्शन में इस OH बॉन्ड के क्लीवेज को स्टडी कर रहे हैं। हम लोग OH बॉन्ड के सीक्वेंस को अगर बात करें तो उस पोजीशन में यहां इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी ना के बराबर, इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल
इस रिएक्शन के अलोंग सबसे कम रिएक्टिविटी शो करता है। 2 डिग्री अल्कोहल में इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा कम है तो इसकी रिएक्टिविटी कुछ ज़्यादा होगी। 1 डिग्री अल्कोहल में केवल एक इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट एक ही ग्रुप शो कर रहा है तो रिएक्टिविटी और ज़्यादा और सबसे ज़्यादा होगी मिथेनॉल। तो अगर रिएक्टिविटी सीक्वेंस पूछे इस रिएक्शन के लिए, रिएक्टिविटी सीक्वेंस फॉर द जस्ट अल्कोहल, तो आप कहेंगे मिथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। इसको हम शॉर्ट में यूं भी कर सकते हैं, मिथेनॉल को MeOH कर दें, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और ये 3 डिग्री अल्कोहल। ये थी पर्टिकुलर बात अल्कोहल की इस रिएक्शन के लिए। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं और वो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास में आती है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर की बात करेंगे साहब, एसिडिक नेचर की बात करें हम पर्टिकुलर अल्कोहल के लिए, तो अल्कोहल सबसे पहली बात पर्टिकुलर अल्कोहल डजन चेंजेस जस्ट ब्लू लिटमस टू रेड। पहली खास बात कि यहां पर्टिकुलर अल्कोहल ब्लू लिटमस को रेड नहीं करेगा, मींस एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिक्वायर्ड है कि ब्लू लिटमस को रेड किया जाए, बट यहां अल्कोहल नहीं करता है। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, ऑन रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स में बात करें हम, तो आपके पास में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम भी इंक्लूड कर लें तो ज़्यादा बेटर है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जस्ट गिव्स सॉल्ट विद रिलीज ऑफ H2 गैस। मींस अगर अल्कोहल की आपने रिएक्शन एक्टिव मेटल्स के साथ करवा दी तो एक्टिव मेटल्स के साथ में रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा और पॉप साउंड की फॉर्म में, एक प्लेजेंट साउंड की फॉर्म में H2 गैस का रिलीज होगा, जो कि इस बात को शो करता है कि अल्कोहल एसिडिक नेचर तो शो करता है। सो दिस इज द अल्कोहल ROH, सोडियम के साथ रिएक्शन करवा दें, स्टोइकोमेट्रिकली 2 मॉलिक्यूल, हियर विल फॉर्मेशन ऑफ 2 ऑफ RONA और ये रिलीज ऑफ H2 गैस। इसी में थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑन रिएक्शन विद सोडामाइड अल्कोहल गिव्स सॉल्ट विद रिलीज ऑफ NH3 गैस। यानी कि अगर आपने अल्कोहल के साथ में सोडामाइड की रिएक्शन करवा दी, दिस इज द ROH एंड दिस इज द सोडामाइड NaNH2। आप पोटेशियमाइड भी काम में ले सकते हैं पर्टिकुलर। सो रिएक्शन का कुछ मोड इस टाइप से होगा, हियर विल फॉर्मेशन ऑफ RONA एज ए सॉल्ट और यहां रिलीज होगी NH3 गैस। ये थी आपके पास में थर्ड रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन की बात करें तो ऑन रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट अल्कोहल गिव्स जस्ट यू कैन से एल्केन, बिकॉज ऑफ अल्कोहल एक ऐसा ग्रुप है जो कि एक्टिव हाइड्रोजन देता है और नो डाउट ग्रिग्नार्ड रिएजन के साथ में जो भी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड रिएक्शन करते हैं दे विल फॉर्म एल्केन। सो द रिएक्शन विल बी, दिस इज द RMGX, दिस इज द इथेनॉल OC2H5। एल्कोहल की फॉर्म में हमने इथेनॉल ले लिया या आप पर्टिकुलर यहाँ RO- भी ले सकते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी R के लिए लार्जर, MG के लिए लेसर, सेम O के लिए लार्जर और H के लिए लेसर। यहाँ फॉर्मेशन होगा आपके पास में एल्केन का और ये MG
एक्स और ये ओ आर डैश रिलीज हो जाएगा. दीज आर द जस्ट फोर प्रॉपर्टीज थ्रू विच वी कैन से दैट फ्रॉम अबव प्रॉपर्टीज इट इज क्लियर दैट alcohol acts as weak acid. इन चारों रिएक्शन से, क्योंकि ब्लू लिक्विड को रेड भी नहीं कर रहा है और बाकी सब रिएक्शन शो कर रहा है, तो इट मीन्स ये अपने आप में एक वीक, और NH के साथ में कोई रिएक्शन नहीं कर रहा, बेस के साथ में भी. सो फ्रॉम अबव डेटा इट इज क्लियर दैट कि एल्कोहल अपने आप में एक वीक एसिड की तरह काम करता है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. इसके एसिडिक नेचर का क्या रीजन है, क्या कारण है, उसको भी डिस्कस करेंगे. इस मैटर को प्रॉपरली पढ़ें. इसी सीक्वेंस में आगे बढ़े तो जरूरी है डिस्कशन करना कि इसका कॉज क्या है, रीजन क्या है पर्टिकुलर अल्कोहल की एसिडिक नेचर का. सो दिस इज द रीजन. This is the reason of acidic nature of alcohol. No doubt weak acid की तरह तो काम करता है, इसको भी डिस्कस करेंगे क्यों करता है, बट एसिडिक कैरेक्टर शो करता है. इसका रीजन ये है कि पर्टिकुलर एल्कोहल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लार्जर होती है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को ही अपनी ओर विड्रॉ करेगा, और विड्रॉ करके पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाने के कारण से एस्प्रेस आयन को लूज कर देता है. एंड पर्टिकुलर सब्सटेंसेस जो एस्प्रेस आयन का लूज करते हैं, दे एक्ट एज एसिड. सो यू विल से जस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यू कह सकते हैं, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, then hydrogen it withdraws shared electron and loses H plus ion. That's why alcohol is acidic in nature. ये तो आपके पास में रीजन. पर्टिकुलर comparatively स्टडी करें हम क्वेश्चन की फॉर्म में, तो एक क्वेश्चन आता है साहब, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल वर्सेस वाटर. अगर हम पर्टिकुलर एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें एल्कोहल के साथ में, या सॉरी एल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ का हम कंपैरिजन करें पर्टिकुलर वाटर के साथ में, तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा और क्यों, उसका रीजन जाने. एसिडिटी की बात करें तो पर्टिकुलर अल्कोहल के लिए स्ट्रक्चर होता है आपके पास में ROH, और वाटर के लिए आपके लिए पास में होता है स्ट्रक्चर H2O. दिस इज द अल्कोहल एंड दिस इज द वाटर. कहते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्कोहल के लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्कोहल के लिए बात करूं तो इसको डिनोट करते हैं के ए से, और इसकी वैल्यू आपके पास में पर्टिकुलर होती है 10^-16 से 10^-18 तक. वहीं पे अगर मैं
वाटर के डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें तो kW से डिनोट करते हैं वाटर के डिसोसिएशन कांस्टेंट को, डिसोसिएशन कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ वाटर, ऑफ वाटर, तो इसे आप डिनोट करते हैं kW से, और यहाँ kW की वैल्यू वाटर के लिए 10^-14 होती है। डेटा से बात क्लियर है, जिसके लिए K की वैल्यू ज्यादा होगी, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा, दैट्स व्हाई वाटर इज स्ट्रॉन्ग एसिडिक देन द अल्कोहल। तो रीजन आपके पास में ड्यू टू हैविंग मोर वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर दैट इज 10^-14 देन अल्कोहल के लिए आपके पास में 10^-16 टू 10^-18 अल्कोहल एक्स एज स्ट्रॉन्गर एसिडिक। जस्ट here is due to having more value of dissociation constant of water than alcohol, just alcohol acts as weak acidic than water, yani ki particular acidic strength ki baat kare to acidic strength mein alcohol aur water mein पर्टिकुलर वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। रीजन पर्टिकुलर ड्यू टू डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट। फिर आता आपके पास में रिलेटिव, जस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट अल्कोहल। अगर रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल की बात करें तो यहां अभी जस्ट कुछ देर पहले डिस्कस किया है कि नो डाउट अल्कोहल के लिए मीथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, जहां ऑक्सीजन के ऊपर लॉन्ग पेयर प्रेजेंट है। नो डाउट यहां हर एक ऑक्सीजन की टेंडेंसी यही होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके H+ आयन को लूज करना अल्कोहलिक ग्रुप के कारण। बट बात करें तो 6 डिग्री अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप यानी कि प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है, तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीज होगा। तो यहां सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, इसलिए सबसे कम एसिडिक होगा आपके पास में 3 डिग्री अल्कोहल। फर्दर 2 डिग्री अल्कोहल में इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा कम है तो ज्यादा एसिडिक होगा, 1 डिग्री अल्कोहल में और कम है, और मीथेनॉल में सबसे कम है इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक मीथेनॉल होगा। ये थी बात आपके पास में पर्टिकुलर एसिडिक स्ट्रेंथ की रिगार्डिंग टू जस्ट योर अल्कोहल। प्रॉपरली पढ़े बिकॉज दिस रिएक्शन इज टू इम्पॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन भी काफी अच्छे बनते हैं आपके पास में, तो एक एक रिएक्शन को एक एक टॉपिक को अच्छे से कंसर्न करें, बिना कंसर्न किए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो अच्छे से इस टॉपिक को सीरियसली लें।
इसी सीक्वेंस में आगे बात करें तो सेकंड रिएक्शन डिस्कस करने से पहले मैं कुछ वेरिएबल कंपाउंड्स की भी बात करना चाहूंगा। इसीलिए आपके पास में नो डाउट आप लोस्टेनर से एलॉन्सोइ पढ़ के आए हैं, पर्टिकुलर एल्काइन की एसिडिक नेचर जो है वो भी होती है, बट यहां बात करें तो एल्काइन की एसिडिक नेचर आपको किस तरीके से वेरी करेगी वो भी ध्यान दें। तो ये आता आपके पास में उसी एसिडिक सीक्वेंस में एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर आपको कह दिया जाए कि एक तरफ वाटर है, एल्कोहल है, एल्काइन है, पर्टिकुलर अमोनिया है और एल्केन है, तो नो डाउट हर एक कंपाउंड एच प्लस आयन को लूज करता है, बट एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे वाटर की एल्कोहल से ज्यादा, एल्कोहल की एल्काइन से ज्यादा, अमोनिया से और एल्केन से ज्यादा होगी। इसी सीक्वेंस में बात करें तो सेकेंड रिएक्शन आती है आपके पास में एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन की बात करें तो जब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो नो डाउट पर्टिकुलर कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, मिनरल एसिड के रूप में आप एस्टोसोफोल ले सकते हैं, ये रिएक्शन आपके पास में रिवर्सिबल होती है। तो फ्रूटी स्मेल के साथ में एस्टर का फॉर्मेशन इस बात की इंफॉर्मेशन देता है कि पर्टिकुलर वहां पे यूज किया गया सब्सटेंस एल्कोहल है और एल्कोहल की एसिडिक नेचर है। इस बात को शो करने के लिए रिएक्शन डिस्कस करें तो ये आ गया आपके पास में कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आ गया आपके पास में एल्कोहल आर डैश, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, एच प्लस आयन को लूज करेगा, ओ एच माइनस, यहां फॉर्मेशन होगा कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर की प्रेजेंस में, आर सी ओ आर डैश बनेगा प्लस H2O एस्टर जो कि फ्रूटी स्मेल देता है। इसी सीक्वेंस में हम अगर बात करें तो R इज इक्वल टू CH3 लिया, COOH प्लस ये आ गया आपके पास में C2H5OH सेम कंसंट्रेटेड SO4, तो यहाँ CH3 पर्टिकुलर CO C2H5 का फॉर्मेशन होगा और H2O बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन में एस्टर को बार बार इसलिए निकाला जाता है ताकि एस्टर आपके पास में प्योर स्टेट में बन जाए और रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाए, इसके लिए पर्टिकुलर एस्टर को रिमूव करते हैं। क्वेश्चन भी आया हुआ ये पर्टिकुलर। इसी में बात करें तो हम आपके पास में अगर इस कार्बोक्सिलिक एल्कोहल की जगह सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर्टिकुलर हम इस रिएक्शन में एसाइल क्लोराइड ले लें RCOCl या एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें RCOOCOR, तो उस पोजीशन में यहाँ पर्टिकुलर ये अल्कोहल आ गया R-OH। इस रिएक्शन को रिवर्सिबल कराने के लिए पिरिडीन की प्रेजेंस ली जाती है, पिरिडीन जो कि फार्मूला आपके पास होता है C5H5N, अपने आप में पढ़ चुके हैं मोनोडेंटेट लिगेंड के रूप में काम करता है। सो this is the pyridine, so here will removal of just HCl like this and it will formation of ester RCOOR- plus HCl, here is the again formation of ester। इसी sequence में हम बात करें तो यही आपने acetic anhydride लिया है, just you can say just your simple anhydride and here is the alcohol R-OH, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओ के लिए लार्जर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेम इस टाइप से। सो यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड को यूज करने के लिए हम पर्टिकुलर RCOOR- बन जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आपके पास में एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, दिस इज द एस्टर। कोई भी एसिड लेकर के इस रिएक्शन को हम भी
इसको भी रिवर्सिबल करा सकते हैं एच प्लस की प्रेजेंस में। बट रिमेम्बर वन थिंग, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया है तब तो आप इस रिएक्शन को कहेंगे एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, और अगर इन दोनों रिएक्शंस की बात करें हम पर्टिकुलर, तो इन दोनों रिएक्शन में एसाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो इन दोनों रिएक्शंस को हम या तो एसाइलेशन या एसिटाइलेशन रिएक्शन भी कहते हैं। नेमिंग रिएक्शन आती है हर बार, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी मैकेनिज्म भी, एस्टरीफिकेशन की रिएक्शन की मैकेनिज्म भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के साथ में रिएक्शन हुई, वहां भी सेम वही होगी, वहां कार्बोक्सिलिक एसिड के अलोंग देखेंगे, यहाँ अल्कोहल के अलोंग देखा है, मैकेनिज्म एक ही है, वहां हम प्रॉपर में डिस्कस करें, या आप चाहें तो यहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। उसके लिए हमने ये मैकेनिज्म का स्टेप ले लिया। मैकेनिज्म में सबसे पहले आपके पास में एस्ट्रोसोफोर जो कि एसिड के रूप में है, इसका डिसोसिएशन होगा H प्लस और HSO4 माइनस में। यहां सबसे पहले RCO और ये O H आ गया आपके पास में, लॉन पेयर है दो, कुछ पोजीशन इस टाइप से, यहां H प्लस का अटैक करवा दे तो लेस हिंडर्ड साइड आपके पास में ये वाली है, उस पोजीशन में जब यहां अटैक करेगा तो RCO ये अपना लॉन पेयर इसको देगा, इसमें चार्ज पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इसका कैंसिल, ये यहां से विड्रॉ करेगा तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कुछ इस टाइप से पॉजिटिव चार्ज, ये फर्दर अल्कोहल के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा कुछ इस टाइप से, ROH यहां R डैश कर दिया, अभी जस्ट बात हुई थी यहां इलेक्ट्रोफाइल के रूप में, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यहां अटैक करेगा, तो आपके पास में फर्दर स्ट्रक्चर होगा कुछ इस टाइप से, ये हो गया आर सी ओ एच टू लॉन पेयर ऑक्सीजन पे, ये ओ एच टू लॉन पेयर ऑक्सीजन पे, और ये हो गया ओ, और ये हो गया आपके पास में एच, और ये आर डैश यहाँ लॉन पेयर एक पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ज्यादा टाइम के लिए इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट नहीं हो सकता तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो चार्ज नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा एच प्लस का, तो यहां फॉर्मेशन होगा R, यहां फॉर्मेशन होगा R COH लॉन पेयर टू OH लॉन पेयर टू, और ये हो गया आपके पास में O और ये R डैश। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो एक और H प्लस अटैक करेगा किसी भी एक साइड पर, हमने इसका अटैक करवा दिया यहां, तो पोजीशन आपके पास में नेक्स्ट कुछ इस टाइप से होगी, आर सी या गया ओ एच लॉन पेयर टू, यहां कर दिया ओ और ये अपना एक लॉन पेयर डोनेट कर देगा ऑक्सीजन, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और ये ओ आर डैश। नेक्स्ट स्टेप में कुछ इस टाइप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो यहां नेगेटिव आ जाएगा यहां पॉजिटिव, इसको सपोर्ट करेगा ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, H2O का रिमूवल हो जाएगा कुछ इस टाइप से H2O, और यहां फॉर्मेशन होगा R, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये H लॉन पेयर एक रह जाएगा यहां पर, और ये हो गया O R डैश कुछ इस टाइप से। नेक्स्ट पोजीशन में वापस से फिर से ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा प्लस माइनस कैंसिल, और H प्लस एन का लूज कर देगा, ये H प्लस एन वापस से HSO4 के साथ रिएक्शन करके HSO4 दे देगा, मीन्स कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, और आपके पास में ये एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये था एस्टर। तो ये पर्टिकुलर किन स्टेप्स का यूज कर रहा है, या ये आपके पास में फर्स्ट स्टेप याद रखना है, दिस इज द सेकेंड स्टेप, दिस इज द थर्ड स्टेप, दिस इज द फोर्थ स्टेप, एंड दिस इज द फिफ्थ स्टेप, और यह आता आपके पास में सिक्स्थ स्टेप। इन स्टेप का यूज करके पर्टिकुलर हम एस्टरीफिकेशन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस इज टू इंपॉर्टेंट। तो ये थी आपके पास में
अल्कोहल की में ओ एच बॉन्ड के क्लीवेज की रिएक्शन,